लास्ट 2 से 3 साल में ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया में रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स का एक अलग ही दौर चल रहा है, एंड जिसमें सबसे ज्यादा सुनने में आता है एक्सप्रेसवेज के निर्माण के बारे में। जी हाँ, इंडिया में अगर सबसे हाईएस्ट क्लास की कोई रोड है तो वो है एक्सप्रेसवेज। तो क्या है ये एक्सप्रेसवे, क्या फीचर्स होते हैं एक एक्सप्रेसवे का, क्यों इसको माना जाता है हाई क्लासेस रोड के हिसाब से, और क्यों ये अपने नॉर्मल हाईवे से बेटर होते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में सब कुछ। और जानेंगे इंडिया में आज तक कितने सारे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और कितने एक्सप्रेसवेज बनकर ऑलमोस्ट तैयार हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रोग्रेसिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो क्या होता है एक एक्सप्रेसवे? आसान भाषा में बोले तो एक ऐसा रोड जहां पे आप कोई भी व्हीकल्स लेकर ड्राइव नहीं कर सकते, जहां पे कोई ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं रहेगा, और जहां पे आपको कोई भी रैंडम जगह से इंटरसेक्शंस या फिर कोई प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलेगा, और ये कोई भी रोड्स को सेम लेवल में क्रॉस नहीं करेगा। वैसे एक्सप्रेसवेज को कई भी नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल हाईवे, फ्रीवे, मोटरवे, स्पीडवे, पर सबसे प्रचलित नाम है एक्सप्रेसवे। अब जानते हैं एक्सप्रेसवेज के कुछ फीचर्स के बारे में। एक्सप्रेसवे हमेशा वन वे और मल्टीपल लेन्स की होते हैं। आई होप वन वे का मतलब आप सभी को पता है, पर फिर भी जिन्हें नहीं पता, वन वे का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गाड़ी जा सकता है, एंड टू वे का मतलब है दोनों डायरेक्शन से गाड़ी जा सकता है। मल्टीपल लेन देने का कारण है ताकि अलग अलग टाइप्स के व्हीकल्स अलग अलग लेन्स को यूज करें, ट्रैफिक मूवमेंट सही रहे, जैसे कि एक 3 लेन के रोड पे जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उनका स्पीड अक्सर कम होता है, तो उन्हें हमेशा एक्सप्रेसवे के लेफ्ट साइड से जाना चाहिए, और नॉर्मल व्हीकल्स को मिडिल लेन से जाना चाहिए, और ओवरटेक करने के लिए राइट साइड्स का जो 3rd लेन है वो यूज करना चाहिए। एक्सप्रेसवेज कभी भी एग्जिस्टिंग हाईवेज, रेलवेज या फिर कोई अदर रोड्स को एक साथ सेम लेवल पे क्रॉस नहीं करता है या फिर मर्ज नहीं करता है। क्रॉसिंग के लिए हमेशा या तो ओवरपास या फिर अंडरपासेस का यूज होता है। एग्जिस्टिंग हाईवेज के साथ कनेक्ट करने के लिए इंटरचेंजेस प्रोवाइड किया जाता है जो रैम्प्स या फिर स्लिप रोड्स के थ्रू कनेक्ट होता है, और ये इंटरचेंजेस बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि 4-लेवल स्टैक इंटरचेंजेस, राउंड अबाउट इंटरचेंजेस, क्लोवर लिफ इंटरचेंजेस, पर्क्लो और पर्शियल क्लोवर लिफ इंटरचेंजेस, ट्रम्पेट इंटरचेंजेस और भी कई सारे हैं। इनमें से क्लोवर लिफ इंटरचेंजेस आपको देखने को मिलता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में, और ट्रम्पेट इंटरचेंज देखने को मिलता है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में। एक्सप्रेसवेज में नॉर्मल हाईवेज की तरह कनेक्टिविटी नहीं रहता, सिर्फ पर्टिकुलर इंटरसेक्शंस में ही कनेक्टिविटी रहता है। एक्सप्रेसवेज में कोई ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं रहता, सो ट्रैफिक मूवमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आता है। ज्यादातर एक्सप्रेसवेज को हमेशा ग्रीन फील्ड में बनाया जाता है ताकि ये ज्यादा टर्निंग्स ना ले और टाइम सेव करे। इसलिए एक्सप्रेसवेज को इको फ्रेंडली बनाने के लिए टर्निंग्स और वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस या फिर ओवरपासेस से भी जाना पड़ता है। एक्सप्रेसवे में कभी भी कोई जगह पे आप गाड़ी रोक नहीं सकते, उसके लिए पर्टिकुलर इमरजेंसी रोड्स या फिर इमरजेंसी ओपनिंग्स दिया जाता है। एक्सप्रेसवे में गाड़ी की स्पीड नॉर्मल रोड से बहुत ही ज्यादा होते हैं, जैसे कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेसवे की ज्यादातर रोड पीक्यूसी का होता है, मतलब रोड कंक्रीट से बनाया जाता है, और कुछ कुछ रोड बिटुमेन का भी बनाया जाता है। मैक्सिमम एक्सप्रेसवे को कंट्रोल्ड वे में बनाया जाता है, मतलब कुछ व्हीकल्स के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे कि बहुत सारी एक्सप्रेसवे में 2-व्हीलर्स अलाउ नहीं होता। ज्यादातर एक्सप्रेसवे को बड़े बड़े सिटीज को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए एक्सप्रेसवे का लेंथ बहुत ही लंबा होता है। इसलिए एक्सप्रेसवे में 30 से 40 किलोमीटर के बाद बाद पेट्रोल पंप्स, फूड कोर्ट्स, इमरजेंसी सुविधाएं भी दिया जाता है। एक्सप्रेसवे में सेफ्टी के लिए जगह जगह पर टेलीफोन बूथ्स, सीसीटीवी कैमरास, हेल्पलाइन नंबर्स, रेस्क्यू टीम्स, स्पीड कैमरास भी रहता है। एंड यस, इतने सारे फीचर्स के वजह से एक्सप्रेसवे की टोल चार्जेस भी बाकी रोड से बहुत ज्यादा होता है। सो क्यों एक्सप्रेसवे हमारे नॉर्मल रोड से बेहतर होते हैं, जबकि नॉर्मल रोड से एक्सप्रेसवे बनाने में बहुत ज्यादा खर्च होते हैं? जैसे कि हाईवे में कोई भी जगह पे छोटे छोटे रोड्स कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक फ्लो में बहुत फर्क पड़ता है, जहां पे एक्सप्रेसवे में एंट्री एग्जिट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं।
हाईवेज कोई भी रोड के साथ सेम लेवल में मर्ज हो जाता है, जिसके लिए ट्रैफिक सिग्नल देना पड़ता है एंड ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो जाता है। वहीं पे एक्सप्रेसवे में ओवरपासेस एंड अंडरपासेस द्वारा बहुत ही इजीली पास किया जा सकता है। ज्यादातर हाईवे सिटी के अंदर से होते हुए गुजरते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोकल हिंड्रेंसेस रहते हैं। वहीं पे एक्सप्रेसवे थोड़ा आइसोलेटेड रहता है, इसलिए कोई भी लोकल हिंड्रेंसेस नहीं रहता। हाईवे में ओपन एक्सेस की वजह से ट्रैफिक जैम्स बहुत ही ज्यादा होता है एंड एक्सप्रेसवे में रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के कारण ट्रैफिक जैम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। एंड इन्हीं सब कारणों की वजह से हाईवेज में ट्रैवल टाइम एक्सप्रेसवे के कंपेयर में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अब जानते हैं इंडियन एक्सप्रेसवेज के कुछ आंकड़ों के बारे में। जुलाई 2022 तक इंडिया में 2587.5 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज ऑपरेशनल है, जिसमें से फर्स्ट एक्सप्रेसवे था अहमदाबाद वडोदरा और नेशनल एक्सप्रेसवे 1, बट फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। अब देखते हैं स्टेट वाइज कुछ एक्सप्रेसवेज के डेटा। इंडिया की टोटल एक्सप्रेसवेज में सबसे आगे आता है उत्तर प्रदेश, जहां पे टोटल 8 एक्सप्रेसवे हैं और टोटल लेंथ है 1396 किलोमीटर। सेकंड में आता है हरियाणा, जहां पे टोटल 7 एक्सप्रेसवेज हैं और टोटल लेंथ है 459.7 किलोमीटर। थर्ड पे आता है तेलंगाना, जहाँ पे टोटल 2 एक्सप्रेसवेज हैं और टोटल लेंथ है 169.6 किलोमीटर। चौथे पे आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे 2 एक्सप्रेसवेज हैं और टोटल लेंथ है 111.3 किलोमीटर। पांचवे पे आता है तमिलनाडु, जहाँ पे टोटल 2 एक्सप्रेसवेज हैं और टोटल लेंथ है 94.87 किलोमीटर। सिक्स्थ आता है गुजरात, जहाँ पे टोटल 1 एक्सप्रेसवे है और टोटल लेंथ है 93.1 किलोमीटर। सेवेंथ है राजस्थान, जहाँ पे टोटल 1 एक्सप्रेसवे है और टोटल लेंथ है 90 किलोमीटर। एट्थ आता है कर्नाटक, जहाँ पे 1 एक्सप्रेसवे है और टोटल लेंथ है 62 किलोमीटर। नाइन्थ पे आता है बिहार, जहाँ पे 2 एक्सप्रेसवे है और टोटल लेंथ है 33 किलोमीटर। टेंथ पे आता है दिल्ली, जहाँ पे टोटल 4 एक्सप्रेसवे हैं और टोटल लेंथ है 26.6 किलोमीटर। 11th पे आता है झारखंड, जहाँ पे 1 एक्सप्रेसवे है और टोटल लेंथ है 25.4 किलोमीटर। और 12th और 13th पोजीशन पे आता है वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, जहाँ दोनों ही राज्य में एक एक एक्सप्रेसवे आता है और दोनों का ही लेंथ है 16 किलोमीटर। ध्यान देना कि ये सभी एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है एंड अभी भी और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे का काम चालू है जो जल्द ही कम्प्लीट होने वाला है। सो आई होप कि आज के वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।